हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तोरियों की सब्जी, जिन्हें राम तोरी भी कहते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपके लिए ऐसे ही इजी इजी सब रेसिपी लेकर आती रहूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताते रहना, मैं आपके लिए और भी आगे डिशेज लेके आऊंगी। गाइज, इधर हमने 1 किलो तोरी ली है, जिसको अच्छे से धोकर काट लिया है। तो इधर हमने 5-6 प्याज ले ली हैं, जिनको धोकर अच्छे से लंबा लंबा काट लिया है। इधर हमने 7-8 हरी मिर्ची ले ली हैं। टमाटर ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैं नहीं डालने वाली क्योंकि मैं मलाई डालकर तोरियां बनाने वाली हूँ। इधर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। वैसे तो तोरी देसी घी में बनती है, हम देसी घी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़िया की दादी और दादू का बीपी बढ़ता है, इसलिए हम इसमें तेल में ही बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी डाल सकते हैं। हमारा तेल जो हो चुका है गर्म, अब इसमें डालेंगे जीरा। तो गाइस, जीरा हमारा हो गया है, तड़क गया है। अब इसमें जाएंगे प्याज, तो गाइस इसे हम प्याज में थोड़ा सा ढककर भून कर पका लेंगे, फिर इसमें मिर्ची डालेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और इजी बनती है, बहुत जल्दी बनती है, इसमें मसाले भी बहुत कम जाते हैं और खाने में भी इतनी टेस्टी होती है, बनाकर ज़रूर खाएं आप। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब इसमें जाएगी मिर्च, ग्रीन चिली। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब इसमें जाएंगे रूटीन वाले मसाले, इसमें जाएगा नमक, 2 चम्मच नमक, और इसमें जाएगी हल्दी 1.5 चम्मच छोटे वाले, और अब इसमें जाएगा मसाला। अब इसे मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले डाल दिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर इसको ढककर थोड़ी कम आंच पर थोड़ा सा टाइम पका। इधर देखिए हमारे प्याज जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ऐसे प्याज फ्राई होने चाहिए। तो अब इसमें जाएंगी तोरियां, गाइस तोरियां हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर ली हैं, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। तो गाइस, इधर मैंने 1 गिलास पानी का डाल लिया है। आप जितना चाहे ग्रेवी वाली बनानी चाहते हैं बना सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुकर को कर दिया मैंने बंद, अब इसे 2-3 सीटी लगाकर गैस ऑफ कर दी। 3-4 सीटी लगाकर इसको मैंने कर दिया था बंद, अब कुकर की सीटी निकल गई है, तब मैंने इसको खोल लिया है। अब खोल कर इसको थोड़ा सा पका रही हूँ। तो गाइस, ये हमारी तोरियाँ हो गई हैं, अब इसमें जाएंगे बड़े वाले 2 चम्मच मलाई के, 2 चम्मच ताज़ा मलाई दूध में से उतारी है मैंने, वो डाल दी है मैंने 2 चम्मच मलाई मैंने इसमें डाल दी है। अब देखें थोड़ा सा इसको सेक लगाएंगे मलाई डालकर, सब्जी हमारी पक जाए। इधर देखें हमारी सब्जी बनके होगी रेडी। इतनी सी मैंने थिकनेस रखी है, आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते तो नहीं बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही लटपटी खाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी सब्जी बनी है, मलाई डालने से और भी टेस्टी हो जाती है और ईजी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली सब्जी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप भी बनाएं और खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में भी आपकी कैसी बनी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ईजी बनने वाली सब्जी है, इसमें मसाले भी कम जाते हैं और इसमें परौंठी फुलका जिससे मर्जी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। गाइस, प्रधान क्या कर रहा है आज सुबह से, ये गन के साथ ही खेले जा रहा है। देखें गाइस, गुड़िया अपने लिए खुद आलू स्नैक्स बना के लाई है। तो ये आलू फ्रेंच फ्राई इसको बहुत पसंद है, खुद ही बना लेती है, खुद ही खा लेती है। इसको आलू बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी है, यम्मी खाती रहती है आलू बनाकर कुछ ना कुछ। आलू आ जाओ गाइस, आप ही खा लो। गाइस आ जाएं, हमारी प्लेट लग चुकी है, आ जाएं, किसने किसने खानी है। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है, ये बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। तो गाइस, गुड़िया खा के बताएगी कैसी बनी, ये बहुत ही यम्मी सी सब्जी बनती है, आप भी बनाएं और खाएं।
कैसे वाली बनी, मस्त कि नहीं? एकदम मेरे नंबर से मस्त, मेरे से मस्त मस्त मस्त। सो गाइस, अगर मैं आपको कहूँ इसको रेट आउट करो 10 में से, तो कमेंट करो आप कितना रेट आउट करोगे इसको। मैं देती हूँ इसको 10 में से 10, आप बताओ कितना रेट आउट करोगे। तो गाइस, इधर मैं बना रही हूँ दूध रात को पीने के लिए। तो हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल कर दूध सोडे जैसा टेस्ट जो बाज़ार में मिलता है वैसा ही आएगा, वैसा ही दूध बना रही हूँ। तो गाइस, इधर जाएगा 1 चम्मच बड़े वाला चीनी का, तो इधर जाएगा इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, इसको करेंगे अब ग्राइंड। सेम ही दूध सोडे जैसा टेस्ट देगा। मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ये देखिए कितना फ्लफी और टेस्टी। देखें गाइस कितना बढ़िया दूध बना है, देखें गाइस कितना यमी है, कितना टेस्टी। आ जाए पी लें, किसने किसने पीना है ये देखें गाइस, आ जाए पी लें शेक।